नेक्स्ट पार्ट अब हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ड्रेसिंग का मतलब है हम किसी भी स्टोन्स को एक स्पेसिफिक साइज या शेप या फिर सरफेस को प्लेन सरफेस से बनाना, उसे बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। मतलब जो भी स्टोन हम क्वेरिंग करके, क्वेरिंग मतलब खोद के या तोड़ के, कैसे वो स्टोन्स हम लेके जो आ रहे हैं उनको सुटेबल साइजेस में, उनके सरफेस को सुटेबल प्लेन बनाना, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम जो हमारा स्टोन है उसको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड कर सकें, इजिली उसे ट्रांसपोर्ट कर सकें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकआउट करके। ठीक है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है मेसनरी में, हमें इस साइज के स्टोन चाहिए। अगर मान लो हम 12 इंच थिक की वॉल बना रहे हैं तो हमें 12 इंच के थिक के स्टोन चाहिए। ठीक है, 9 इंच थिक बना रहे हैं, 4.5 इंच थिक वॉल बना रहे हैं, वो हमारे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्वेरिंग भी मतलब जो हमारी ड्रेसिंग होगी दो तरह से होती है कि भाई एक तो ड्रेसिंग हम क्या करेंगे, जहां पे हमने खोद के स्टोन्स निकाले वहीं पे हम ड्रेसिंग कर दें, या हम जिस साइट पे काम कर रहे हैं वहां पे ड्रेसिंग करें। ठीक है, कि पहले हम स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करें उसके बाद ड्रेस करें, मतलब उनको स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करें, या फिर जहां से हमने उन्हें खोद के निकाला वहीं पे ही उनको स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। अगर क्वारी पे ड्रेसिंग होगी तो हमारे फायदे होंगे, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, वहीं पे ही हम चीप लेबर में काम कर सकेंगे और वहीं से हमारे जो स्टोन से इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। और सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिनिशेस होती है। सबसे पहले एक्स्ट फिनिश, भाई जो एक्स से हम जो फिनिश कर रहे हैं उसे बोलते हैं एक्स फिनिश। जो मतलब हार्ड स्टोन्स होते हैं ना उनको, जैसे ग्रेनाइट, उनको ड्रेस करते हैं किसी एक्स से तो उसे बोलते हैं एक्स्ट फिनिश। सर बोस्टेड और ड्रॉव फिनिश, कि मतलब किसी भी स्टोन पे हम अगर नॉन पैरेलल मार्क्स बनाए, मतलब छोटी छोटी लाइनें बनानी चाहें, तो उसके तरह को बोलते हैं बोस्टेड और ड्रॉव फिनिश। ठीक है, इसका डायग्राम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखोगे इसमें नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स, मतलब इसमें जो दिखा रखा है इस वाले डायग्राम में, दिख रहा है सबको डायग्राम? ठीक है, इस वाले डायग्राम में हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी है इसके अंदर चीजल के थ्रू। ठीक है, ये डाइंस से बोलते हैं बोस्टेड और ड्रॉ फिनिश। ठीक है, अब नेक्स्ट है चीजल ड्रॉटेड मार्जिन्स। ठीक है, तो भाई जॉइंट्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए स्टोन वर्क में छोटी छोटी मार्जिन्स प्रोवाइड करी जाती है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई आपका स्टोन होगा, ठीक है, इसमें छोटी छोटी ऊपर मार्जिन्स प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ शेप्स प्रोवाइड हो जाएगी, ताकि जो है हमारे स्टोन्स के बीच में जब जॉइंटेड बने, ठीक है, तो यूनिफॉर्म जॉइंट बन जाए स्टोन्स के बीच में, जब हमारी मेसनरी के जब, ठीक है, सर्कुलर फिनिश, किसी भी हम स्टोन को सर्कुलर बनाने के लिए उसे बोल देंगे सर्कुलर फिनिश। ठीक है, उसके बाद है ड्रैग और कॉम्ब फिनिश। तो इसमें क्या होता है कि एक, जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक वायर मैश टाइप का ब्रश होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वायर स्टील, माइल्ड स्टील के वायर से होते हैं छोटे छोटे से, मतलब ये ब्रश हो गया आपका होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे से तीखे तीखे से वायर निकले होते हैं। यस हाँ, अगर उस तरह के ड्रैग्ड और कॉम्ब फिनिश प्रोवाइड करते हैं, उसमें करते हैं वो जो ब्रश होता है जिसमें स्मॉल, मतलब जिससे उसके टीथ में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, ठीक है, उससे जो फिनिशिंग प्रोवाइड होती है उसे बोलते हैं ड्रैग्ड और कॉम्ब फिनिश।
फरो फिनिश में कुछ नहीं होता, हम उस स्टोन्स के अंदर छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं 20 mm विड्थ के, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमें किस किस रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में गड्ढे करने हैं, ठीक है। ये मतलब कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें करते हैं कि हमारा जो भी सरफेस होगा, ठीक है, उसके एज से 20 mm का डिस्टेंस लेके अंदर की तरफ, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी फरोज बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोल्डेड फिनिश। किसी मोल्ड मतलब किसी मोल्ड जो होती है कि कोई भी हमारी जो क्या बोल सकते हैं, किसी भी हमारा कंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्रिक की मोल्ड होती है जो ब्रिक को एक स्पेसिफिक साइज प्रोवाइड करती है, ढांचा, ठीक है। तो उसी तरह से कोई मोल्ड से रेस्पेक्ट में उसके से स्पेसिफिक साइज प्रोवाइड करेंगे तो उसे बोलेंगे मोल्डेड फिनिश। हैमर ड्रेस्ड, अगर हैमर से हम उसे ड्रेसिंग करेंगे तो हैमर ड्रेस्ड फिनिश। ठीक है, प्लेन फिनिश, सिंपल कोई प्लेन सरफेस प्रोवाइड करें तो प्लेन फिनिश। पॉलिश सरफेस, तो किसी उसको सरफेस प्रोवाइड करके उसकी पॉलिशिंग हो रही है, मार्बल्स की होती है, ग्रेनाइट्स की होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह से ये ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स होती है, उसका रब्ड फिनिश है। इस तरह से आप कोई भी डेस या जो फिनिशेज है इनमें से याद कर लेना, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तरह की फिनिशेज होती है, जैसे पॉलिश्ड फिनिश हो गई, रब फिनिश हो गई, कॉम्ब फिनिश हो गई, ठीक है। टूल्ड फिनिश है इसमें, अब डिटोरेशन ऑफ स्टोन्स जो है आपके अभी कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। क्वेरिंग का मतलब होता है कि हम जो स्टोन्स जो होते हैं उन्हें खोद के कहीं से निकालते हैं तो उसे बोलते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, ठीक है। क्वेरिंग हम कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल, गड्ढा खोद के कि भाई उससे जो पत्थर निकले, जो छोटे छोटे पत्थर होंगे, या हम क्या करते हैं जो बड़े पत्थर होते हैं उनको क्रैक्स के में होते हैं उनको हीट करते हैं, ठीक है। जो बड़े पत्थर होते हैं जिनका नेचुरल रॉक बेड हॉरिजॉन्टल होता है उनको हीट करते हैं तो एक्सपैंड करते हैं और वो ब्रेकआउट होके निकल आते हैं। एक होता है वेजिंग, कि मान लो आपका कोई रॉक है बहुत बड़ा सारा, उसमें यहाँ पे कोई क्रैक आ रखी है तो आप उसमें वेज फंसाओगे, ठीक है। वेज होती है इस शेप का, एक वी शेप का, ठीक है, और उसे मारना शुरू कर दोगे ताकि वो क्रैक जो है, जो फिश है, बहुत बड़ी ना हो जाए और उसे इजीली आप रॉक को निकाल सको, ठीक है। अगर किसी भी रॉक में अगर वेज प्रेजेंट नहीं है तो आप उसमें ड्रिलिंग करोगे, ठीक है, ड्रिलिंग करके वेज जो है फिर उसमें डालोगे और फिर दोबारा हैमर से हिट करोगे या फिर कोई मशीन से होगी उससे करोगे, ठीक है। एक होगी ब्लास्टिंग, जिसे बोजर या क्या होता है डायनामाइट से जो ब्लास्टिंग करते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे मेथड्स ऑफ एक तरह से हम स्टोन्स की क्वेरिंग करते हैं। सबको पता है ना, डिगिंग भी कर सकते हैं, हीटिंग भी कर सकते हैं, वेजिंग, वेजिंग में कुछ नहीं कर रहे हम। ये देखो वेजिंग की डायरेक्शन बता रखी कि भाई हमने स्टार्टिंग में एक होल बनाया या पहले से कोई होल में प्रेजेंट होगा, हमने उसके अंदर से वेज डाला और उसके अंदर ठोकना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो वेज जो होगा नीचे की तरफ जो होगी हमारी क्रैक प्रोपगेट होती रहेगी। अगर मान लो ये हमारा रॉक का सरफेस है, ये आगे का सरफेस है और यहाँ पे हमने एक वेज बनाया, इसके अंदर धीरे धीरे एक क्रैक प्रोपगेट होती जाएगी नीचे की तरफ और वो जो हमारा जो रॉक जहां तक हमें ब्रेकआउट करना है वो ब्रेक हो जाएगा और हम उस पत्थर को इजीली बाहर निकाल पाएंगे। इस डायग्राम में ये शो कर रखा है कि पहले हमने वेज डाला, ऊपर से हैमर को हिट किया, नीचे वाला जो है इसमें हैमर को हिट हो रहा है, ठीक है, और हम इजीली जो है इस तरह से, ये वेजिंग का एक और मेथड है कि अगर आपको रॉक को एक ही मतलब फिजर के लॉन्ग जो है आपकी फ्रैक्चर के लॉन्ग ब्रेक करना हो तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल वेजेस जो हम
प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हिट करते हैं, वो इजिली ब्रेकआउट हो जाता है। अब वेजिंग के लिए टूल्स क्या होंगे, एक तो स्टील वेज, एक कॉनिकल स्टील पिन जो अंदर जाएगी, एक फ्लैट स्टील वेज, ये भी एक तरह का फ्लैट होगा, मतलब कहने की बात है मतलब नीचे से क्या होगा, ये फ्लैट होगा, ठीक है। उसके बाद में कोई वुडन प्लग, वुडन प्लग होते हैं मतलब साइड में यहाँ लगाने के लिए ताकि ये वेज हमेशा स्टिल रहे, ठीक है। और न्यूमेटिक ड्रिल, ड्रिल तो आपने देखी है खोदने के लिए। अगला है हमारा ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग में भी हम सेम ही करते हैं। ब्लास्टिंग में क्या करेंगे, कोई बड़े जो पहाड़ होंगे वहां पे हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से हम कितना पार्टी की ड्रिल मतलब हमें ब्लास्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जैसे मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक कि हमें मान लिया कि हम इतनी ब्लास्टिंग करेंगे तो उसके नंबर ऑफ फ्यूजेस प्रोवाइड करेंगे कि हमने यहाँ जो है डायनामाइट डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इनको फ्यूज को बर्न करेंगे और फिर यहाँ से जो ब्लास्टिंग होगी उससे हम जो हमारा रॉक होगा वो उतना टूट जाएगा। इसमें भी स्टार्टिंग में क्या करेंगे, छोटे छोटे होल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हॉल्स के अंदर हमारा जो भी डायनामाइट होगा या जो भी हमारे पास एक्सप्लोजिव डिवाइस है वो उसके अंदर डालेंगे। फिर हर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस को कनेक्टेड करेंगे, जितने भी हमारे होंगे, जितने हमने लाइन के लॉन्ग लगाए हैं, फिर उनको ब्लास्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर ड्रिलिंग होल, सबसे पहले हमने होल्स ड्रिल करे ड्रिलिंग मशीन के थ्रू। फिर चार्जिंग, चार्जिंग कहने का मतलब जो भी एक्सप्लोजिव है हमारे पास में उनको हमने उन होल्स के अंदर जो है फिट कर दिया, और जो होल्स होने चाहिए वो ड्राई होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने कर दी टैंपिंग, जो बाकी बचा हुआ होल होगा जो हमने किया है उसको हमने मिट्टी से भर दिया, और उसके बाद जो भी है हमारा उसको हम फायर कर देंगे मतलब आग लगाएंगे और जो है हमारी ब्लास्टिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल ब्लास्टिंग होती है अगर बहुत बड़े स्केल पे हो रही हो तो। बोला अभी तक मुझे बताओ ब्लास्टिंग में किसी को कुछ समझ नहीं आया तो। ब्लास्टिंग और ड्रेसिंग, ब्लास्टिंग सॉरी क्वेरिंग, क्वेरिंग से हम समझ रहे हैं कि जो हमने स्टोन्स निकालने हैं कैसे भी क्वेरी से, खदान से कैसे निकालें। उसके लिए हमने चार मेथड देखे। सबसे पहले देखा हमने कि सबसे पहले सिंपल डिगिंग कर लो, सिंपल डिगिंग में हिटिंग कर लो, हीटिंग वाले में हम कुछ नहीं करते। जो स्टोन्स एक ही लेयर पे एक अटैच्ड हो, मतलब ऐसे लेयर्ड बाय स्टोन्स हो, उसमें क्या करते हैं हम एक स्टोन को हीट अप करते हैं, ठीक है। स्टोन को हीट अप करने से क्या होता है, ये एक्सपैंड करता है, ठीक है। ये एक्सपैंड करने से क्या होगा, जो इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी ना, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि देखो मैंने जैसे ही एक्सपांड करेगा ना तो यहाँ पे क्रैक प्रोपोगेट हो जाएगी, तो क्रैक जो प्रोपोगेट होगी जो इन दो स्टोन के सरफेस के बीच से प्रोपोगेट होगी और इजिली ब्रेकआउट हो जाते हैं। अगर दो डिफरेंट तरह के स्टोन एक ही लेयर में, तो हम एक स्टोन को हीट करेंगे वो एक्सपैंड करेगा, जैसे वो एक्सपैंड करेगा तो इन दोनों के बीच के जॉइंट होगा या इससे नीचे वाले में जो जॉइंट होगा दोनों ब्रेक होगा, हम उसको इजिली रिमूव कर पाएंगे। मुझे बताओ किसी में कोई डाउट है तो आपको। नेक्स्ट हमारा एग्रीगेट्स, तो एग्रीगेट्स के बारे में हमने अभी समझा है कि भाई बहुत बड़े बड़े रॉक्स को छोटे छोटे रॉक्स में डिवाइड कर देते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का हमने यूज देखा कंस्ट्रक्शन की हर एक जगह, हमने देखा कि बिल्डिंग बनाते हैं तो कॉन्क्रीट बनानी है तो उसमें एग्रीगेट्स हमारे यूज होंगे, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स। और हमने ये भी देखा कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। फाइन वो होते हैं जो 4.75 mm की सीव से पास हो जाते हैं, 4.75। कोर्स हमने वो देखे
जो 4.75 mm की सीव से पास नहीं होते उनमें रिटेन हो जाते हैं, वो गए हमारे कोर्स। mm याद रखना हमेशा mm, इसे बोल दिया कोर्स। ठीक है, तो आप देखते हैं सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट हमारे जो होते हैं उनका यूज क्या होता है। मुझे बताना भी तुम कोर्स एग्रीगेट का तुमने कहाँ कहाँ देखे हैं। कोर्स एग्रीगेट सर जी सड़क पे पड़े हुए होते हैं, जो सड़क पे बिछाने पे काम होता है, रेलवे ट्रैक पे घर भी बनते हैं सर। एक एक करे रहते हैं, पहले रेलवे ट्रैक मतलब रोड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। रेलवे ट्रैक पे देखे हमने, एक रेलवे ट्रैक का बेस भी बनता है, उसमें भी आपके बड़े बड़े स्टोन्स यूज होते हैं। देखना स्टार्टिंग में रेलवे ट्रैक का मिट्टी का बेस बना होता है नीचे, जो उससे रेलवे जो होती है रेल्स होती है लेन करने से पहले, मतलब बताता हूँ जो रोड बनती है। हाँ वो बता दें, जैसे इस तरह का बनता है रेलवे ट्रैक। ठीक है, उसके ऊपर रेल्स आती है आपकी, मतलब ऐसे करके रेल्स आएगी। ठीक है, इसके नीचे वो आता है स्लीपर, चलो स्लीपर तो अभी नहीं दिखाते अपन। और यहाँ पे वो पत्थर पड़े रहते हैं, यहाँ पे ऐसे करके पत्थर पड़े रहते हैं। ये जो बेस बनता है ना स्टार्टिंग में, इसमें भी आपके स्टोन्स यूज होते हैं। ठीक है, रेलवे ट्रैक के सब ग्रेड में भी यूज होते हैं। सर जी बोलो सर, वो जो हाईवे पे जब लगे रहते हैं सपोर्ट में जो एक एक फुट के पत्थर होते हैं, वो भी कोर्स एग्रीगेट में आएंगे? नहीं बेटा, फिर वो स्टोन्स में आ जाते हैं, कोर्स एग्रीगेट में नहीं। हाँ मैं समझ गया, आपके जो स्टोन्स जो लगे होते हैं साइड साइड में कर्ब में लगे होते हैं, उन्हें कर्ब बोलते हैं। ठीक है, वो एक एक मीटर हाइट तक के होते हैं। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक में हमने दो तरह से देखे, एक उसकी फाउंडेशन बनाते हुए जब यूज होते हैं, एक हमारे ब्लास्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे सिर्फ कोर्स एग्रीगेट। अब रोड्स में हमने देखे, रोड्स में भी हमारी उसकी फाउंडेशन जिन्हें बोलते हैं सब ग्रेड बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर के कोट जो वियरिंग कोट होते हैं, डामर के साथ भी हम छोटे छोटे पत्थर मिक्स करते हैं, या वियरिंग कोट बोल लो इसे या सरफेस कोट बोल लो। सर सब ग्रेड में तो हम कोई सा भी स्टोन यूज कर सकते हैं ना? हाँ वैसे स्टोन तो आप कोई सा यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सर जैसे जो ये मलवा होता है, हाँ ये भी यूज कर सकते हो, इंटे का पुराने इंटे यूज हो जाती है। ठीक है ओके, तो ये हो गया आपका रोड कंस्ट्रक्शन में। अब भाई कैमरा ऑन है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे यूज होते हैं एग्रीगेट, हमारी फाउंडेशंस में। ठीक है, कंक्रीट में। ठीक है, हम सिर्फ कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहे हैं अभी, कंक्रीट बनाने में हमारे यूज हो गए, और बेसिकली कहाँ होंगे हमारे पर बिल्डिंग। अपने ग्रेवल रोड देखिए, ग्रेवल रोड इसमें सिर्फ कुछ नहीं होता, छोटे छोटे पत्थर से होते हैं और बस वो ही पड़े रहते हैं। यस सर, यस सर। पर एग्रीगेट पर वो होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनसे सर सीमेंट बनती है। हाँ बेटा वही होते हैं, ब्रिज बनाने में सर। ब्रिज हर जगह जहाँ पे भी यूज होंगे, हर जगह यूज होंगे, इन्हें कहीं भी यूज नहीं, जहाँ पे भी कॉन्क्रीट नाम होता है। पर ज्यादातर सर सीमेंट में भी यूज होते हैं बनाने के। बेटा सीमेंट नहीं, कॉन्क्रीट बनाने में यूज होते हैं। सीमेंट में तो पाउडर होती है, सीमेंट तो अलग ही मिलती है। ठीक है, कंक्रीट बनाने में यूज होते हैं, कंक्रीट मिलके बनती है, सीमेंट सैंड एंड वाटर प्लस कोर्स एग्रीगेट। अगर हम फाइन एग्रीगेट की बात करें, फाइन एग्रीगेट बोलते हैं सैंड सिल्ट क्ले। ठीक है, अब इनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो बता देता हूं मैं आपको। सॉरी
सबसे पहले आती है सैंड, सैंड जो होती है जिसका साइज वेरी करता है 4.75 mm टू 75 इंटू 10 की पावर -3 mm. इसे ये भी बोल सकते हो या फिर और म्यू एम बोलते हैं, म्यू सॉरी म्यू का साइन होता है, मैं ब्रीफ प्रेजेंट कर बता देता हूँ, म्यू का साइन होता है ये, मतलब इसका मतलब होता है 10^-6, ठीक है, 10^-6 मीटर, 10^-3 mm लिखा है या 10^-6 मीटर। तो अब मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट आती है हमारी सिल्ट, ठीक है, सिल्ट का साइज वेरी करता है 75 μm, म्यू को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक बार इसमें होने पाएगा 2 μm। और लास्ट है हमारी क्ले, क्ले जो होती है जिसका साइज लेस देन 2 μm। ये यू यहाँ पे म्यू है, ध्यान रखना, ठीक है, और कुछ नहीं है, म्यू जो साइन रिप्रेजेंट होता है वो इस तरह से होता है म्यू, और एम म्यू का मतलब है 10^-6 मीटर, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारे फाइन एग्रीगेट होते हैं, पर बेसिकली अगर कंस्ट्रक्शन पार्ट में कोई चीज यूज हो रही है तो वो सिर्फ सैंड होगी, बाकी कंस्ट्रक्शन में ना सिल्ट यूज होती है ना क्ले यूज होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो सिल्ट एंड क्ले कभी नहीं आएंगे, ठीक है, हमेशा सैंड आएगी, ठीक है। फिर बोलो, फिर एग्रीगेट में फिर तो आपने भी बताया, फिर सैंड 4.75 mm, फिर ये वाला फिर थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हुआ। देखो सैंड सिल्ट एंड क्ले तीनों को हम साइज के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। अगर सैंड है जिसका साइज वेरी कर रहा है 4.75 mm टू 75 × 10^-3 mm, इसको 10 75 माइक्रोन ही बोल सकते हैं, माइक्रोन micron, ठीक है, यही बोल सकते हैं माइक्रोन, ठीक है। अगर इसका साइज किसी भी चीज का 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में है तो उसे बोलेंगे सैंड, अगर उसी का इस 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में है उसे बोलेंगे सिल्ट, और जिसका साइज 2 माइक्रोन से भी कम का है उसे बोलेंगे क्ले, मतलब उसके अंदर एक जो पार्टिकल होता है ना, छोटा सा पार्टिकल क्ले का या सैंड का, मिट्टी का एक छोटा सा दाना, उसका साइज बता रहा है, ठीक है। टिम्बर भी करवाओगे अभी? नहीं भाई, टिम्बर अभी नहीं, वो बाद में होगा आपका। और फिर वो लैम मैनुअल फिर हो गई बंदी? आपको मिल जाएगी, क्यों टेंशन ले रहा है? नहीं फिर वो आप कह देना, फिर मैं पेपर को पूरा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज देखनी है कोर्स और फाइन एग्रीगेट की, ठीक है। जिससे सबसे पहले होती है अभी आर्टिफिशियल सैंड बता रखी, इसमें आर्टिफिशियल सैंड को कहने का मतलब होता है जो सैंड हमारी रॉक को क्रश करके बनती है उन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल सैंड, ठीक है। तो हमने सबके प्रॉपर्टीज और, ठीक है, और सबके जो हमारे यूजेस है या एडवांटेज है वो डिस्कस करने हैं,
ठीक है, कि जो भी आर्टिफिशियल सैंड होगी उनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, वो कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होती है। ऑर्गेनिक कहने का मतलब होता है क्योंकि वो रॉक से बनी हुई होती है तो उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नहीं होती है। ठीक है, सैंड शार्प होती है, क्लीन होती है, कोर्स, कोर्स कहने का मतलब थोड़ी मोटी मोटी सी होती है। ठीक है, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है क्योंकि डायरेक्टली वो रॉक से बनी हुई होती है तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सैंड होती है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या आर्टिफिशियल सैंड का, कि एडवांटेज यही सब हो गया कि भाई अगर उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अच्छी ऐसी सब्स्टिट्यूट है एज कम्पेयर टू हमारी जो नॉर्मल सैंड है। ठीक है, ज्यादा कोर्सर है तो हमारे जो क्या बोल सकते हैं, जो ज्यादा कोर्सर है तो हमारे जो क्या बोल सकते हैं कि साइजेस जो है यूनिफॉर्म रहते हैं उनमें। ठीक है, अगर वो इजीली अवेलेबिलिटी भी हो जाती है क्योंकि रॉक्स को घिसना आसान हो जाता है, नेचुरल सैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, जहाँ पे भी हमें अगर हमारा कंस्ट्रक्शन करना तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रॉक को क्या बोलेंगे, क्रश कर लेंगे और उसे आर्टिफिशियल सैंड बना लेते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे भी सैंड यूज होती है ना कंस्ट्रक्शन में, वहाँ आर्टिफिशियल सैंड यूज हो जाएगी। सर जैसे घर बनाने के लिए वो भराव किया जाता है। हाँ, भराव बोल लो, रेती बोल लो, या फिर कोई मतलब वो भराव तो फाउंडेशन का कह रहे हो ना तुम भी, वही मिट्टी भरी जाती है। हाँ जी, हाँ वहाँ पे भी यूज कर सकते हो, वहाँ बेसिकली वहाँ यूज नहीं करोगे सर। क्यों सर, जो आर्टिफिशियल फिर वहाँ तो आप पहले ही घर से खोद रहे हो ना, घर के आप जब खोद के फाउंडेशन के लिए करोगे तो मिट्टी निकलती है। हाँ जी, उसी मिट्टी को दोबारा यूज कर लेते हैं। सर जो आर्टिफिशियल फिर सैंड होती है, फिर ये मेनली कहाँ पे यूज होती है? हर जगह यूज होगी जहाँ नॉर्मल सैंड यूज होती है, जहाँ आपकी नॉर्मल सैंड यूज होगी ना, कि मान लो आपको कंस्ट्रक्शन में फाइन एग्रीगेट की तरह काम करती है नॉर्मल सैंड, तो वहाँ आप आर्टिफिशियल जैसे फ्लाईओवर सजा फ्लाईओवर बनाने के लिए सैंड यूज की जाती है। हाँ, जो उनका सरफेस होता है उसके लिए सैंड भरी जाती है उसमें, तो वहां पे यूज किया जा सकता है इसे? जहां पे आपकी सैंड की अवेलेबिलिटी कम है वहां आप सैंड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब सर एक तरीके से मतलब जहां पे सैंड की कमी है वहां पे ये यूज करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने ये अवेलेबल है तो ठीक है, अवेलेबिलिटी आपके पास में नहीं है आपने ये यूज कर लिए। ओके सर, ठीक है, अभी मैं एक बार दोबारा इसी लिंक से आप ज्वाइन अप कर लेना। ठीक है।